Hello friends and dear students. Today's topic is domain name system. So basically domain name system या domain name server DNS ये होता क्या है? जब आप web browser पर website open करने के लिए उसका URL या domain name या बिल्कुल simple words में मैं कहूँगी कि address डालते हैं तो उसके पीछे server का IP address होता है जिससे डोमेन नेम की मैपिंग होती है. इसके लिए एक पूरा डोमेन नेम सिस्टम वर्क करता है जिससे कि आपको आईपी एड्रेस याद नहीं करना पड़ता. यह बिल्कुल एक टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह होता है जिसमें फ़ोन नंबर्स की नाम से मैपिंग की गई होती है. जैसे कि हमने टेलीफोन डायरेक्टरीज से कंपेयर किया तो टेलीफोन डायरेक्टरीज में क्या होता है, एक सिक्वेंशियल वे में अरेंज किया जाता है नेम्स के साथ फ़ोन नंबर्स को, जबकि डीएनएस के केस में नहीं है. डीएनएस एक हायरार्किकल तथा डिसेंट्रलाइज्ड नेमिंग सिस्टम है. ये एक हायरार्किकल ट्री की फॉर्म में होता है जिस पे लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, फिर उसका सब डोमेन, फिर उसका सब डोमेन. तो डीएनएस एक इज ऑल्सो नोन एज नेम स्पेस एंड एक्टिव डायरेक्ट्री इज़ बिल्ट ऑन डीएनएस. एक्टिव डायरेक्ट्री डीएनएस में क्रिएट की जाती है. बेसिकली डीएनएस अक्रॉस इंटरनेट यूज़ होता है जबकि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, वो एक प्राइवेट नेटवर्क के लिए बनाई जाती है. तो एक्टिव डायरेक्टरी के केस में डीएनएस उस सर्विस का डेटाबेस मेंटेन करता है जो नेटवर्क पर रन होती है. लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो कि डीएनएस में मेंटेन होती हैं उनको सर्विस रिकॉर्ड कहा जाता है. इसको शॉर्ट में आप SRV कहते हैं, सर्विस रिकॉर्ड्स. सर्विस रिकॉर्ड से क्लाइंट को नीडेड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल नेटवर्क प्रिंटर को लोकेट करने में आसानी होती है. सो नाउ लेट्स सी कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डीएनएस की और स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है. तो डीएनएस इज़ यूज्ड टू रिजॉल्व FQDN यानी कि फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस एंड वाइसा वर्सा. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि DNS, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि DNS से में मैपिंग होती है किसकी, डोमेन नेम की आईपी एड्रेस के साथ. तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से रिजॉल्व करता है या फिर वाइस वर्सा, यानी आईपी एड्रेस को फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम से. इट कैन बी यूज्ड इन लैन एंड वैन. इट इज़ हाईली स्केलेबल सिस्टम. ये लैन और वैन दोनों में यूज़ हो सकता है, स्केलेबल सिस्टम होता है. स्केलेबल मीन्स वी कैन एक्सटेंड इट अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स. एक्सटेंड भी कर सकते हैं और उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं फ्यूचर में. इट कैन बी कन्फिगर्ड इन द डोमेन और वर्क ग्रुप नेटवर्क. डोमेन नेटवर्क और वर्क ग्रुप दोनों में कन्फिगर किया जा सकता है. पोर्ट नंबर 53 यूज़ करता है डीएनएस कनेक्शंस के लिए. डीएनएस कैन मेंटेन द सेंट्रलाइज डेटाबेस फॉर FQDN एंड रेस्पेक्टिव आईपी एड्रेसेस ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स एंड वेबसाइट्स. तो डीएनएस एक सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन करता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम और उनसे के कॉरस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिव आईपी एड्रेस के लिए जितने भी कंप्यूटर्स एंड वेबसाइट्स डोमेन में होते हैं. DNS नेम FQDN इज़ मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स लॉन्ग. तो एक जो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है DNS में वो 255 कैरेक्टर्स लॉन्ग होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं pc1.yahoo.com आपका FQDN है. तो इसमें होस्ट नेम के लिए 63 कैरेक्टर्स हैं. होस्ट नेम होगी आपका pc1 एंड डोमेन नेम दैट इज़ yahoo.com उसके लिए 192 कैरेक्टर्स हैं. DNS नेम इज़ हायरार्किकल नेम लाइक mcp.microsoft.com. ये हायरार्किकल नेम होता है जैसे कि mcp.microsoft.com. इसमें microsoft.com डोमेन हो गया एंड देन mcp होस्ट नेम. रिजॉल्व्स राइट टू लेफ्ट. जो भी DNS क्वेरी होती है वो राइट टू लेफ्ट रिजॉल्व की जाती है. जैसे सबसे पहले आप टॉप डोमेन यानी कि .com है या .in है या .org है उसको चेक किया जाता है. देन उसका जो है डोमेन नेम नेक्स्ट एंड देन सब डोमेन. नाउ लेट्स सी हाउ DNS वर्क.
इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनएस कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज द जो है रिजॉल्वर, जिसका कार्य रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करना होता है। सेकंड, देर इज़ अ रूट सर्वर। ये टॉप लेवल सर्वर जो होता है वो रूट सर्वर कहलाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ 13 रूट सर्वर्स अभी एग्जिस्ट करते हैं। इसका यूज़ हालांकि बहुत कम होता है, सिर्फ फर्स्ट टाइम सर्च में ही जो रिक्वेस्ट होती है वो रूट सर्वर तक जाती है। फर्स्ट टाइम अगर किसी डोमेन को के लिए रिक्वेस्ट आती है, एक बार अगर वो रिक्वेस्ट आ गई तो फिर वो सेव हो जाती है, और उसके लिए उसको कहते हैं हम डीएनएस कैशिंग। उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर है, ठीक है, तो वहाँ से वो रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन अभी हम देखना ये है कि डीएनएस वर्क कैसे करता है, इसलिए मैं कंप्लीट आपको डिस्कस करूँगी, शो करूँगी कैसे रूट सर्वर तक क्वेरीज जाती हैं और कैसे रिजॉल्व होती हैं। उसके बाद रूट सर्वर के नीचे जो सेकंड लेवल ऑफ सर्वर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, जेनरिक सर्वर्स और कंट्री सर्वर्स कहलाते हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन्स डिफाइन करते हैं। जैसे कि .org, ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। .com कमर्शियल डोमेन जनरली यूज्ड बाय कंपनीज। .in इज बेसिकली फॉर इंडिया, दिस इज कंट्री सर्वर, कंट्री डोमेन। .mil इज़ यूज फॉर मिलिट्री डोमेन्स। .edu इज़ यूज फॉर एजुकेशनल पर्पस। नेक्स्ट इज द अथॉरिटेटिव सर्वर, इट स्टोर्स ऑल IP एड्रेसेस एंड नेम्स। तो जो IP एड्रेसेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग नेम्स की टेबल होती है, जो डेटाबेस होता है, वो अथॉरिटेटिव सर्वर में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक के केस में, यहाँ मैं एक फेसबुक का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि यू ऑल आर फेमिलियर विद द फेसबुक। फेसबुक के केस में देर आर मोर देन 70 अथॉरिटेटिव सर्वर्स। ये बहुत सारे होते हैं, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे अथॉरिटेटिव सर्वर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि फेसबुक भी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। सिमिलरली गूगल, याहू, इन सब के केस में कोई एक नहीं होगा बल्कि मल्टीपल अथॉरिटेटिव सर्वर्स वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं कि डीएनएस कार्य कैसे करता है। सबसे पहले लेट्स सी, यूज़र ने ब्राउज़र पर डाला www.facebook.com। तो क्या होता है, जो आपका लोकल डीएनएस होता है वो रिज़ॉल्वर के पास क्वेरी भेजता है। रिज़ॉल्वर के पास क्वेरी जाती है तो रिज़ॉल्वर उसको चेक करता है एंड आगे रूट सर्वर को फॉरवर्ड करता है। रूट सर्वर देन रिस्पॉन्स देता है रिज़ॉल्वर को डोमेन के बारे में, डोमेन डिटेक्ट करके कि वेदर इट इज़ .com और .in, आप और अगर .com है तो उसको किस सर्वर के पास, किस जेनरिक सर्वर के पास या कंट्री सर्वर के पास जाना है। एंड देन रिजॉल्वर .com के पास क्वेरी सेंड करता है। तो क्वेरी इस वक्त हमारी .com के पास आ गई, वहाँ से रिजॉल्व होकर वापस रिजॉल्वर के पास गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए अथॉरिटेटिव सर्वर के पास आएगा, जो कि डोमेन को IP एड्रेस से मैप कराएगा। एंड जैसे ही IP एड्रेस से मैप हो जाता है, अथॉरिटेटिव सर्वर के पास डेटा मिल जाता है, तो वो रिस्पॉन्स वापस रिजॉल्वर के पास भेजता है। तो एंड रिजॉल्वर फिर रिस्पॉन्स आंसर जो होता है, जो IP एड्रेस मिलती है, वो वापस DNS, लोकल DNS एंड यूज़र के पास जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस वर्क करता है। अभी हम यूज़र के पास सिर्फ IP एड्रेस आया है, वो IP एड्रेस जो कि सर्वर को डिनोट करता है जहाँ से आपका वेब पेज लोड होगा। इसके बाद फिर उस IP एड्रेस पे रिक्वेस्ट जाती है। तो ये था हमारा प्रोसेस क्या कि कैसे DNS वर्क करता है। तो नाउ लेट सी सम अदर पॉइंट्स। DNS सर्वर आंसर्स क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड देयर ओन डोमेन्स। तो DNS सर्वर इनसाइड डोमेन तथा आउटसाइड डोमेन दोनों साइड से क्वेरीज को आंसर करता है। जब एक सर्वर पर किसी एड्रेस जो कि उसके डोमेन में एग्जिस्ट करता है, उसकी रिक्वेस्ट आउटसाइड डोमेन से आती है, तो यह एक अथॉरिटेटिव आंसर प्रोवाइड करता है यूजिंग इट्स अथॉरिटेटिव सर्वर्स।
नेक्स्ट केस है जब आप वेब ब्राउजर, नेक्स्ट केस है व्हेन ए सर्वर रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम इनसाइड इट्स ओन डोमेन फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट ए नेम और एड्रेस आउटसाइड दैट डोमेन, इट पासेस द रिक्वेस्ट आउट टू अनदर सर्वर। इसका मतलब क्या है? जब सर्वर पर डोमेन के अंदर से रिक्वेस्ट आती है और रिक्वायर्ड एड्रेस आउटसाइड डोमेन में एग्जिस्ट करता है, देन क्या होता है? तो रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर को पास कर दी जाती है। यूजुअली ये जो सर्वर होता है वो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मैनेज सर्वर होता है। अब अगर ये सर्वर भी एड्रेस नहीं जानता या अथॉरिटेटिव सोर्स जहाँ से आंसर मिल सके उसका नहीं पता है, देन ये रिक्वेस्ट टॉप लेवल डोमेन के DNS सर्वर को सेंड कर दी जाती है। इसका एग्जाम्पल .com और .edu सर्वर्स। देन वहाँ से रिक्वेस्ट फिर कॉरस्पॉन्डिंग अथॉरिटेटिव सर्वर के पास आएगी स्पेसिफिक डोमेन में, फॉर एग्जाम्पल xyz.com और abc.com। तो इस तरीके से एक DNS पूरा प्रक्रिया है जो कि रिजॉल्व करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस से। नेक्स्ट इन दिस स्लाइड यू विल स्टडी अबाउट सम टर्म्स यूज्ड इन DNS। फर्स्ट इज द DDNS, दैट इज डायनेमिक DNS। मीन्स DDNS मीन्स DNS एक्टिव डायरेक्टरी विंस एंड DHCP के साथ इंटीग्रेटेड है। सेकेंड इज कैशिंग ओनली DNS सर्वर, रिसेंटली रिजॉल्व्ड क्वेरीज को स्टोर करता है जो कैशिंग ओनली DNS सर्वर होता है, जिससे कि फ्यूचर क्वेरीज फास्ट तरीके से रिजॉल्व हो सकें। इस केस में हम फॉरवर्ड लुकअप एंड रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट नहीं करते। थर्ड इज फॉरवर्डेड DNS सर्वर, अगर प्राइमरी DNS सर्वर से क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो पाती देन जिस सर्वर को यह क्वेरी फॉरवर्ड की जाती है उसे फॉरवर्डर DNS सर्वर कहते हैं। इट इज़ यूज ओनली इन रिकर्सिव क्वेरीज। रिकर्सिव क्वेरीज क्या होती हैं, आइटरेटिव क्वेरीज क्या होती हैं, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फायरवॉल। यू ऑल मस्ट बी फैमिलियर विद द फायरवॉल। फायरवॉल दो तरीके की होती है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होती है एंड हार्डवेयर फायरवॉल भी होती है। ठीक है, इट कैन अलाउ द इंटरनल ट्रैफिक टू गो आउटसाइड वर्ल्ड बट अनवांटेड ट्रैफिक कैन नॉट पास इन अवर प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट। फायरवॉल बेसिकली क्या करती है, जो अनवांटेड ट्रैफिक होता है आउटसाइड वर्ल्ड से उसको ब्लॉक करने के लिए यूज़ की जाती है। तो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होती है एंड मोस्टली जो फायरवॉल सेटअप की जाती है वो राउटर एंड प्रॉक्सी सर्वर के बीच में सेटअप की जाती है। अब नाउ प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर हम बेसिकली इंटरनेट शेयरिंग तथा सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। नाउ इन दिस स्लाइड हम डिस्कस करेंगे कि जोन क्या होता है। जोन मीन्स नेटवर्क और कलेक्शन ऑफ FQDN एंड रेस्पेक्टिव IP एड्रेस। तो जोन का मतलब क्या है? एक नेटवर्क या कलेक्शन ऑफ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम और उसके कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस का कलेक्शन। तो DNS सर्वर में एक से अधिक जोन होते हैं। बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ जोन्स, दैट इज प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन एंड स्टब जोन। तो प्राइमरी जोन में क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन इट कैन बी यूज्ड इन द डोमेन और वर्क ग्रुप नेटवर्क, इट कैन नॉट अपडेट ऑटोमेटिकली। ये डोमेन और वर्क ग्रुप नेटवर्क में यूज़ हो सकता है और इसमें अपडेशन जो होता है वो ऑटोमेटिक नहीं होता। जबकि जो एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन होता है वो कहाँ होता है? वो डोमेन कंट्रोलर में क्रिएट किया जाता है। DC मीन्स डोमेन कंट्रोलर एंड इट कैन अपडेट ऑटोमेटिकली। सेकेंड इज सेकेंडरी जोन, इट इज़ बैकअप ऑफ प्राइमरी जोन एंड इट इज़ रीड ओनली कॉपी। जो सेकेंडरी जोन होता है वो बैकअप होता है प्राइमरी जोन का और ये सिर्फ रीड ओनली कॉपी होता है प्राइमरी जोन की। इट कैन बी चेंज टू प्राइमरी जोन और स्टब जोन एंड कैन बी अगेन चेंज टू सेकेंडरी। तो ज़रूरत पड़ने पे हम सेकेंडरी जोन को एज ए प्राइमरी जोन की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी चेंज कर सकते हैं एंड स्टब जोन में भी चेंज किया जा सकता है।
एंड वापस हम फिर से इसको सेकेंडरी जोन में चेंज कर सकते हैं। थर्ड वन इज स्टब जोन। ये बेसिकली विंडोज 2003 के DNS में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इट कैन बी यूज टू रिजोल्व द क्वेरी फास्टर, क्वेरीज को फास्टर रिजोल्व करने के लिए। इट कैन रिप्लीकेट ए रिकॉर्ड, NS रिकॉर्ड एंड SOA स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड फ्रॉम अदर DNS सर्वर्स ऑफ अनदर डोमेन। ये रेप्लीकेशन के लिए यूज होता है। क्या रेप्लीकेट करता है? आर रिकॉर्ड, NS रिकॉर्ड एंड SOA रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड्स, फ्रॉम अदर सर्वर्स ऑफ अनदर डोमेन। यहाँ हम विंडोज 2003 का फीचर भी डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके कोर्स में है, विंडोज 2003 एंड 2008 को देखते हुए प्रेजेंटेशन बनाया गया है। नाउ वी सी अबाउट द ऑप्शंस टू क्रिएट जोन। अभी हमने जोन डिस्कस किया, कितने तरह के, तीन तरह के जोन्स होते हैं। आप जोन क्रिएट करने के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपके पास, जैसे कि आप राइट साइड देख सकते हो, DNS मैनेजर में ओपन है DNS मैनेजर, देन वहाँ पे दिया हुआ है फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन। तो देर आर टू टाइप ऑफ ऑप्शंस, दो तरीके के ऑप्शंस हैं जोन के लिए, एक फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड दो सेकेंड इज रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन में क्या होता है? इट इज़ यूज टू क्रिएट अ रिकॉर्ड एंड टू रिजॉल्व फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इन टू IP एड्रेस। से नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें देखिए, फॉरवर्ड DNS में यूज़र क्या करता है, क्वेरी भेजता है व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ google.com DNS सर्वर के पास, यानी कि google.com उसने ब्राउज़र में टाइप किया, एंटर किया एंड वहाँ से रिप्लाई आ गया, इट्स 216.58.211.142। इट मीन्स जब आप एड्रेस या डोमेन नेम की क्वेरी सेंड कर रहे हो एंड डोमेन नेम को IP एड्रेस से मैप करा रहे हो तो ये होता है फॉरवर्ड लुकअप जोन। एंड जब इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, जब आप IP एड्रेस सेंड करते हो एंड आपको आंसर में उसका डोमेन नेम मिलता है तो इसको कहते हैं रिवर्स लुकअप जोन। इट इज़ यूज टू क्रिएट PTR रिकॉर्ड एंड टू रिजॉल्व IP इनटू फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेरीज इन DNS। सो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्वेरीज, रिकर्सिव क्वेरी, बाई डिफॉल्ट रिकर्सिव क्वेरी होती है एंड सेकेंड इज आइटरेटिव और सिंपल क्वेरी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ हम ये देखते हैं, लेटर मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो रिकर्सिव क्वेरी एंड आइटरेटिव क्वेरी, तो आइटरेटिव क्वेरी और सिंपल क्वेरी में एक ही DNS सर्वर यूज़ होता है किसी भी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए, तो सफिशिएंट होता है। इसमें क्वेरी दूसरे DNS सर्वर को पास नहीं होती। यहाँ से क्या होता है, जो रिजॉल्वर होता है उसका काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कैरियर, एंड ये यूज़ होता है बिटवीन लोकल DNS एंड अदर DNS सर्वर। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आइटरेटिव क्वेरी के केस में आपका ISP DNS जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का DNS सर्वर है, जो कि आपका लोकल DNS हो गया, वहाँ से क्वेरी रिजॉल्व हो रही है किसी दूसरे DNS सर्वर से। और जो रिकर्सिव क्वेरी होती है वो आपके कंप्यूटर और आपके लोकल DNS सर्वर के बीच में रिजॉल्व होती है। तो इसमें बेसिकली DNS रिकर्सिव में क्या होता है, DNS सर्वर अनरिजॉल्व क्वेरीज को दूसरे DNS सर्वर को फॉरवर्ड करता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर जैसे जो क्वेरी हुई जो लोकल DNS सर्वर पर नहीं मिली तो फिर वो आगे फॉरवर्ड होगी दूसरे DNS सर्वर को। तो अनटिल टाइम टू लिव TTL वर्क्स फॉर क्वेरीज, सो दिस इज़ यूज बिटवीन क्लाइंट एंड लोकल DNS सर्वर। नाउ लेट्स सी हाउ आइटरेटिव क्वेरी वर्क्स। अब हम देखते हैं कि आइटरेटिव क्वेरी कैसे वर्क करती है। जैसे अभी मैंने जो है इंट्रोडक्शन टू DNS, हाउ DNS वर्क्स में आपको एक्सप्लेन किया था, तो बेसिकली वही एग्जाम्पल है आइटरेटिव क्वेरी का। शॉर्ट में हम फिर से देख लेते हैं। तो यूज़र ने लेट्स सी एग्जाम्पल लिया हमने www.facebook.com के लिए एंटर किया, तो क्वेरी गई रिजॉल्वर के पास। रिजॉल्वर ने सपोज दिस इज़ फर्स्ट टाइम क्वेरी,
तो रिजॉल्वर से जाएगी रूट सर्वर के पास, रूट सर्वर से रिप्लाई आ गया कि दिस इज़ डॉट कॉम, तो डॉट कॉम वाले जेनरिक सर्वर के पास फॉरवर्ड होगी, देन डॉट कॉम से रिजॉल्व होके वापस रिप्लाई आएगा कि किस अथॉरिटेटिव सर्वर के पास इसका आईपी एड्रेस मैपिंग मिलेगी। उस अथॉरिटेटिव सर्वर का आईपी एड्रेस डॉट कॉम रिजॉल्व करके भेजेगा सर्वर, एंड देन रिजॉल्वर क्वेरी भेजता है अथॉरिटेटिव सर्वर के पास, एंड वहाँ से जो है आपका जो यूआरएल होता है उसका, उससे रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस रिजॉल्वर के पास आ जाता है, जो कि रिजॉल्वर वापस सेंडर को सेंड करता है। तो इस तरीके से आपको जो है पता चल गया आप फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम के कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, देन वो जिस भी नेटवर्क का आईपी एड्रेस है वहाँ आपकी रिक्वेस्ट चली जाती है और वो वेब पेज आपको के कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये होता है हाउ आइटरेटिव क्वेरी वर्क्स। नेक्स्ट रिकर्सिव क्वेरी, तो देखते हैं रिकर्सिव क्वेरी के केस में क्या होता है। रिकर्सिव क्वेरी के केस में जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप इज सेम, रिक्वेस्ट जाती है रिजॉल्वर के पास नंबर वन। इसके बाद क्या होगा, रिजॉल्वर से रूट सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, रूट सर्वर से फिर रिक्वेस्ट वापस रिजॉल्वर के पास जाने के बजाय डायरेक्ट डॉट कॉम सर्वर्स के पास चली गई, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग उसका सर्वर होगा। देन वहाँ से अथॉरिटेटिव सर्वर का एड्रेस मिल गया एंड डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट है कॉरस्पॉन्डिंग अथॉरिटेटिव सर्वर के पास जाएगी। तो जो भी अथॉरिटेटिव सर्वर होगा वहाँ से मैपिंग होके जो आप आईपी एड्रेस मिलता है वो आईपी एड्रेस वापस जिस पाथ को फॉलो करते हुए रिक्वेस्ट आई है उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस जाएगा। तो वो अथॉरिटेटिव सर्वर से एड्रेस डॉट कॉम सर्वर के पास जाता है, वहाँ से फिर देन रूट सर्वर के पास जाता है, देन रूट सर्वर वो एड्रेस रिजॉल्वर को देता है, एंड देन फाइनली रिजॉल्वर के जो है लोकल डीएनएस या क्लाइंट के पास उसको सेंड करता है। तो इस तरीके से फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम के कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस मिल जाता है, एंड देन उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए क्वेरी जिस भी नेटवर्क का वो आईपी एड्रेस है वहाँ सेंड कर दी जाती है। इस तरीके से रिकर्सिव क्वेरी वर्क करती है। इसमें रूट सर्वर का कंटिन्यूस यूज़ होता है। आइटरेटिव के केस में क्या था कि एक बार रूट सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, देन उसके बाद रूट सर्वर से का रोल जो है वो ख़त्म हो गया, बट इसमें रूट सर्वर का रोल लास्ट तक रहता है। तो और ये भी जब होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि रूट सर्वर्स तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया ऑल ओवर वर्ल्ड 13 रूट सर्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो मोस्टली जो क्वेरीज होती हैं वो उससे के सब लेवल से ही रिजॉल्व हो जाती हैं, एंड जो फर्स्ट टाइम जो भी क्वेरी गई वो आपके जो है डीएनएस कैशिंग के थ्रू स्टोर कर ली जाती है एंड वहाँ से रिजॉल्व हो जाती है। अब हम देखते हैं आरआर क्या होता है, रिसोर्स रिकॉर्ड। लास्ट स्लाइड में भी एक पॉइंट में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो आरआर बेसिकली क्या होता है, डीएनएस सर्वर है मल्टीपल डेटाबेस टू रिजॉल्व द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज। डीएनएस सर्वर के पास डिफरेंट टाइप की क्वेरीज होती हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए मल्टीपल डेटाबेस होते हैं। तो ये सब जो मल्टीपल टाइप ऑफ डेटाबेसेस जो होते हैं वो रिसोर्स रिकॉर्ड कहलाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स रिकॉर्ड्स आर, फर्स्ट इज़ एसओए रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। इट इज़ यूज फॉर एप्लीकेशन पर्पज़, बेसिकली ये एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। इट इंक्लूड एफक्यूडीएन ऑफ प्राइमरी डीएनएस सर्वर, रिफ्रेश इंटरवल, रिट्राई इंटरवल, एडमिनिस्ट्रेटर नेम एट्सेट्रा। सेकेंड इज़ एनएस रिकॉर्ड, यानी कि नेम सर्वर। तो दिस आरआर इज़ यूज टू स्टोर एफक्यूडीएन एंड रेस्पेक्टिव आईपी एड्रेस ऑफ ऑल द डीएनएस सर्वर्स। तो इसमें नेम सर्वर की तरह वर्क करता है, इसमें सभी डीएनएस सर्वर्स के फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम और उससे कॉरस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिव आईपी एड्रेस स्टोर होते हैं। थर्ड इज़ अ रिकॉर्ड और हॉस्ट रिकॉर्ड। इट इज़ यूज टू रिजॉल्व एफ क्यू डी एन इंटू आई पी एड्रेस और हॉस्ट नेम इंटू आई पी एड्रेस। इट इज़ क्रिएटेड इन फॉरवर्ड लुकअप जोन। फोर्थ इज़ पी टी आर रिकॉर्ड और पॉइंटर रिकॉर्ड। इट इज़ रिवर्स ऑफ अ रिकॉर्ड, ये रिवर्स हो गया पी टी आर रिकॉर्ड।
यानी कि आईपी एड्रेस को एफक्यूडीएन में रिजॉल्व करता है। इट स्टोर्स आईपी एड्रेसेस ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स विद रेस्पेक्टिव एफक्यूडीएन नेम। तो ये रिवर्स लुकअप जोन में क्रिएट होता है। फिफ्थ इज एमएक्स रिकॉर्ड और मेल एक्सचेंज। इट स्टोर्स फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम एंड रेस्पेक्टिव आईपी ऑफ ऑल द एक्सचेंज सर्वर्स। जो मेल सर्वर्स होते हैं, एक्सचेंज सर्वर्स होते हैं, उनके एफक्यूडीएन एंड रेस्पेक्टिव आईपी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। वी डू नॉट नीड टू गिव आईपी एड्रेस ऑफ ईमेल सर्वर। ठीक है। सिक्स इज सी नेम रिकॉर्ड और कैनोनिकल नेम और एलियस रिकॉर्ड। इट इज़ द डिफरेंट नेम टू द सेम होस्ट और इट मीन्स शॉर्ट नेम ऑफ एफक्यूडीएन। सेम ही होस्ट का डिफरेंट नेम और शॉर्ट नेम होता है इसमें। वी कैन यूज़ PC1 फॉर PC1.abc.xyz.com फॉर एग्जाम्पल विद इन www.abc.xyz.com डोमेन। सेवन इज SRV रिकॉर्ड और सर्विस रिकॉर्ड। इट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सर्विसेज विच आर इंटीग्रेटेड विद DNS। अब हम देखते हैं कि DNS को इंस्टॉल एंड कन्फिगर कैसे किया जाता है। स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज़ द स्टेप फॉर विंडोज़ 2003। इसमें कंट्रोल पैनल, देन ऐड और रिमूव प्रोग्राम, देन ऐड और रिमूव विंडोज़ कंपोनेंट्स, देन नेटवर्किंग सर्विसेज, डिटेल्स। यू विल क्लिक ऑन डिटेल्स, DNS, एंड देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। इसके बाद सेकंड लाइन में जो स्टेप दिया गया है विंडोज सर्वर 2008 के लिए है, इसमें गो टू सर्वर मैनेजर, देन क्लिक ऑन रोल्स, ऐड रोल्स, सेलेक्ट DNS, नेक्स्ट एंड फिनिश सिंपली। इसके बाद आपके DNS इंस्टॉल हो गया सपोज, एंड फिर आप जोन कैसे क्रिएट करेंगे। तो टू क्रिएट जोन गो टू प्रोग्राम एडमिन टूल DNS फॉरवर्ड लुकअप जोन, राइट क्लिक न्यू जोन, देन जोन नेम, डोमेन नेम और वेबसाइट नेम यहाँ दिया जाता है। इसके बाद प्राइमरी जोन, नेक्स्ट फिनिश। जोन बनने के बाद देन गो टू जोन प्रॉपर्टीज, SOA, NS, रिकॉर्ड एट्सेट्रा, DNS सर्वर नेम, प्रॉपर्टीज, मॉनिटरिंग, रूट हिंट्स एंड फॉरवर्डर एट्सेट्रा कन्फिगर किए जाते हैं। तो ये था प्रोसीजर जो अभी हमने डिस्कस किया टू कन्फिगर प्राइमरी सर्वर, प्राइमरी DNS सर्वर। नाउ लेट्स सी हाउ टू कन्फिगर सेकेंडरी DNS सर्वर। इसमें स्टेप वन इज कन्फिगर मेंबर सर्वर, देन इंस्टॉल DNS, देन क्रिएट सेकेंडरी जोन विद सेम डोमेन, एड अनदर DNS सर्वर फ्रॉम रूट हिंट्स इन बोथ DNS सर्वर्स, नेक्स्ट इन बोथ DNS अलाउ जोन ट्रांसफर इन सेकेंडरी DNS जोन नेम, देन राइट क्लिक, देन ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर। इन प्राइमरी DNS जोन नेम राइट क्लिक एंड रीलोड और रीस्टार्ट और रिफ्रेश। इस तरीके से आपका स्टेप्स फॉलो करने के बाद सेकेंडरी DNS सर्वर कन्फिगर हो जाता है। तो ये था आज के लेक्चर में हमने कवर किया अबाउट DNS। DNS क्या होता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, एंड डिफरेंट टर्म्स जो यूज़ होती हैं DNS में, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज जैसे कि रिकर्सिव क्वेरी कैसे वर्क करती है, आइटरेटिव क्वेरी कैसे वर्क करती है, ठीक है, कैशिंग वाली DNS सर्वर क्या होता है, रिसोर्स रिकॉर्ड क्या होता है। तो ये सब आज के लेक्चर में हमने कवर किया है। इसके लिए आप रेफरेंसेस के लिए ये वेबसाइट्स चेक कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट IS सर्वर। थैंक यू।